हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इंग्लिश एनसीईआरटी क्लास सेवेंथ का चैप्टर फायर एंड फो और देखेंगे उसके क्वेश्चन आंसर्स। तो क्वेश्चन नंबर वन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द फ्लैश पॉइंट ऑफ अ फ्यूल। फ्लैश पॉइंट ऑफ अ फ्यूल का मतलब क्या होता है और आप इससे क्या समझते हैं? तो इसका आंसर है, एवरी फ्यूल हैज़ अ पर्टिकुलर टेम्परेचर एट विच इट बिगेंस टू बर्न। हर फ्यूल का एक पर्टिकुलर ऐसा टेम्परेचर होता है जिस पे वो जलना स्टार्ट कर देता है, बर्न होना स्टार्ट कर देता है। दिस टेम्परेचर इज कॉल्ड फ्लैश पॉइंट ऑफ अ फ्यूल। हर फ्यूल का एक पर्टिकुलर टेम्परेचर होता है जिस पे वो जलना शुरू कर देता है, उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं? फ्लैश पॉइंट। क्वेश्चन नंबर टू है, व्हाट आर द कॉमन यूजेज ऑफ फायर। कॉमन यूजेज बताने हैं, ज़रूरतें बतानी है कि हमें आग की क्या क्या ज़रूरत होती है। तो आंसर है इसका, फायर इज़ कॉमनली यूज इन आर होम्स फॉर कुकिंग फूड, वार्मिंग रूम इन विंटर एंड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। तो फायर किस किस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है? कुकिंग फ्यूल की तरह हम लोग गैस चलाते हैं, है ना, वो भी फायर है। और विंटर्स में हम लोग जैसे आग जला देते हैं गर्मी के लिए, और पावर भी इससे जनरेट होती है, जो हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है जिसको हम यूज़ करते हैं, वो भी इसी से होती है। क्वेश्चन नंबर थ्री, इन विच सेंस फायर इज़ अ बैड मास्टर। तो फायर जो है वो बैड मास्टर है, तो किस सेंस में है? तो इसका आंसर है, फायर इज़ अ बैड मास्टर व्हेन इट्स गेट्स आउट ऑफ कंट्रोल। ईच ईयर थाउजेंड्स ऑफ होम्स एंड शॉप्स आर डैमेज बाई फायर, वास्ट एरिया ऑफ फॉरेस्ट आर डिस्ट्रॉयड बाई फायर। तो हर साल क्या होता है, फायर मतलब बैड मास्टर कैसे है, जब वो हमारे कंट्रोल के बाहर हो जाती है, हमारे नियंत्रण के बाहर हो जाती है। हर साल बहुत थाउजेंड्स ऑफ हाउसेस, बहुत सारे जो घर हैं, शॉप्स हैं, वो जल जाते हैं आग की वजह से, और बहुत सारे एरिया ऑफ फॉरेस्ट जो है मतलब जंगल भी बर्बाद हो जाता है आग लगने की वजह से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द थ्री मेन वेज इन विच अ फायर कैन बी कंट्रोल्ड और पुट आउट। तीन हमें तरीके बताने हैं जिससे हम फायर को बुझा सकते हैं या फिर कंट्रोल में ला सकते हैं। तो अ फायर कैन बी पुट आउट और कंट्रोल्ड बाय टेकिंग अवे द फ्यूल प्रेजेंट ऑक्सीजन फ्रॉम द ऑक्सीजन फ्रॉम रीचिंग इट। तो हम लोग अगर फायर को हमें बुझाना है तो हम ऑक्सीजन की सप्लाई को अगर कट कर दें, ऑक्सीजन वहाँ तक पहुँचने ही ना दें, तो फायर बंद हो जाएगी, आग बुझ जाएगी। और एक क्या होता है कि हम वहाँ से जो फ्यूल का जो सोर्स है वो हटा दें, और थर्ड वे क्या है कि हम वहाँ से हीट रिमूव कर दें। रिमूव द हीट इफ़ द टेम्परेचर विल बी ब्रॉट डाउन बिलो द फ्लैश पॉइंट द फ्यूल विल स्टॉप बर्निंग। तो एक तो हम ऑक्सीजन हटा दें, फ्यूल जो है वो हटा दें, या फिर जो टेम्परेचर बढ़ रहा है उसको हटा दें। अगर हीट कम हट जाएगी, टेम्परेचर कम हो जाएगा, फ्लैश पॉइंट से नीचे चला जाएगा। फ्लैश पॉइंट हमने क्या पढ़ा था, कोई भी फ्यूल जिस पॉइंट पर जलता है उसको हम फ्लैश पॉइंट कहते हैं। फ्लैश पॉइंट से कम अगर टेम्परेचर आ जाएगा तो भी फायर जो है बुझ जाएगी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डज अ बर्निंग कैंडल गो आउट व्हेन यू ब्लो इट। एक बर्निंग कैंडल जो है वो ब्लो आउट हो जाती है, मतलब बुझ जाती है, ऐसा क्यों होता है? या फूक मारते हैं तो वो ब्लो आउट हो जाती है, बुझ जाती है। व्हेन वी ब्लो ऑन अ बर्निंग कैंडल वी रिमूव द हॉट एयर अराउंड इट एंड इट्स टेम्परेचर बिकम्स डाउन। तो क्या होता है, जब हम फूक मारते हैं तो उसके जो हॉट एयर होती है, गर्म हवा होती है कैंडल के आसपास, वो वहाँ से चली जाती है, और मतलब गर्म हवा चली जाती है, ठंडी हवा आ जाती है, टेम्परेचर कम हो जाता है, और हम लोगों को तो ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए होता है, गर्मी चाहिए होती है। और वेन द टेम्परेचर इज़ बिलो द फ्लैश पॉइंट, उसके फ्लैश पॉइंट से कम हो जाता है, तो कैंडल जो है वो बर्न होना बंद कर देती है और बुझ जाती है। फ्लैश पॉइंट कम हो जाता है क्यों? क्योंकि टेम्परेचर आसपास का ठंडा हो जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्प्रेइंग वाटर इज़ नॉट अ गुड वे ऑफ पुटिंग आउट एन ऑयल फायर और एन इलेक्ट्रिक फायर, वाई नॉट। तो मतलब वाटर छिड़कना, पानी छिड़कना एक सही वे नहीं है आग को बुझाने का। कब? जब आग इलेक्ट्रिकल फायर हो या फिर वो किसकी ऑयल की वजह से बनी हो, तेल की वजह से वो आग लगी हो। तो इसका आंसर है, वाटर इज़ नॉट अ गुड वे ऑफ पुटिंग आउट ऑयल फायर। ऑयल फायर मतलब ऑयल की वजह से जो फायर लगी है, वो वाटर उस पर नहीं डालना चाहिए। क्यों? क्योंकि व्हेन वाटर इज स्प्रेड इनटू ऑयल फायर द ऑयल स्टार्ट्स फ्लोटिंग ऑन द टॉप ऑफ वाटर एंड कंटिन्यूज टू बर्न। तो जब अगर हम किसी कोई आग जो तेल की वजह से लगी है, अगर हम उसमें पानी डालेंगे तो जो ऑयल है वो पानी के ऊपर तैरने लगेगा, और उसकी वजह से वो पानी उसको रोक नहीं पाएगा, उस ऑयल को, उस सोर्स को हटा नहीं पाएगा, और आग जलती रहेगी। फिर व्हेन द फायर इज कॉज्ड बाय द इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस द पर्सन ऑफ स्प्रेइंग वाटर मे गेट एन इलेक्ट्रिक शॉक एंड कैन बी किल्ड। तो अगर इलेक्ट्रिसिटी की वजह से लगी है आग और अगर आप उसमें पानी डाल रहे हैं, तो वाटर तो गुड कंडक्टर होता है, तो वो है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर लेगा, और जो पानी डाल रहा है उसे इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है, उसकी डेथ हो सकती है। फिर नेक्स्ट है, व्हाट आर सम ऑफ द थिंग्स यू शुड डू टू प्रिवेंट अ फायर एट होम इन
इन द स्कूल. ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं फायर को, आग को प्रिवेंट करने के लिए, कहाँ पर कि घर पे आग ना लगे और स्कूल में आग ना लगे. तो इसका आंसर है वी एज वी नो देर आर मैनी वेज टू पुट आउट फायर. तो जैसे कि हम जानते हैं कई सारे वेज होते हैं, कई सारे तरीके होते हैं जिससे हम फायर को बुझा सकते हैं. फर्स्टली सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, वी शुड ट्राई टू नो द कॉज ऑफ फायर. सबसे पहले हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि जानने की कि फायर एक्चुअल में लगी कैसे है. फिर उसके बाद वी विल ट्राई टू पुट आउट द फायर अकॉर्डिंग टू दैट, और उसी के अकॉर्डिंग कि किस तरीके से फायर लगी है उसी के बेसिस पे हम लोग मतलब डिसाइड करके फिर हम ट्राई करेंगे उसको कैसे बुझाया जाए. फिर इफ़ द फायर इज़ कॉज बाई इलेक्ट्रिसिटी और ऑयल वी शुड यूज़ एक्सटिंग्विशर और सेंड टू पुट इट आउट. अगर जो आग है वो इलेक्ट्रिसिटी या फिर ऑयल की वजह से लगी है तो हम लोगों को क्या करना चाहिए, हम लोगों को या तो रेत उस पर डालना चाहिए, मिट्टी डालनी चाहिए उस पर, या फिर फायर एक्सटिंग्विशर का यूज़ करना चाहिए. फायर एक्सटिंग्विशर में कार्बन डाइऑक्साइड होती है. हम कार्बन डाइऑक्साइड इसमें क्वेश्चन में नहीं है, मैं आपको वैसे बता रही हूँ. अगर हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड डालते हैं जहाँ पे ऑक्सीजन होती है उस जगह पे, तो कार्बन डाइऑक्साइड भर जाती है, ऑक्सीजन की सप्लाई को कट कर देती है, और कट कर दी ऑक्सीजन की सप्लाई तो आग बुझ जाती है. ठीक है, तो अगर ऑयल इलेक्ट्रिसिटी की वजह से है तो हम लोग को रेत या फिर फायर एक्सटिंग्विशर से उसको बुझाना चाहिए. इन अदर केसेस वी कैन यूज़ वाटर एंड डैम्प ब्लैंकेट्स और सैक्स टू पुट आउट द फायर. और अगर और किसी वजह से लगी है तो हम उसमें पानी भी डाल सकते हैं या फिर हम कपड़े डाल सकते हैं, सैक्स जो ख़राब कपड़े हैं, ब्लैंकेट्स डाल सकते हैं फायर को बुझाने के लिए. तो हो गया हमारी पूरी की पूरी क्वेश्चन आंसर्स इसके जो हैं वो सारे के सारे कंप्लीट हो गए हैं. तो आपको कैसा लगा वीडियो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं. अच्छा लगा तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर करिएगा. थैंक यू सो मच.